नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने इतवारी मोटिवेशन में। हम लोग यहाँ पे कुछ अच्छा सीखते हैं, कुछ अच्छे बनने की और एक बेहतर इंसान बनने की और खुद को आगे लेके आते हैं। तो आज की जो बात है वो बात है खुद की गलतियों की। अक्सर आपने देखा होगा कि कभी-कभी हमारी गलतियाँ होती हैं, लेकिन हमारा ईगो सामने आ जाता है और हम उसे अपनी गलती मानते नहीं हैं, है ना। हम दूसरों की ही बातों पर लगे रहते हैं कि नहीं, तुमने ऐसा कहा, तुमने ऐसा कहा, जबकि साफ पता चलता है, अंतरात्मा सीधे बोलती है कि भाई तेरी ही गलती थी, लेकिन नहीं, ईगो आ जाता है सामने। तो एक तमाचा है ना, यदि आप अपनी गलती मान लें तो खुद को तमाचा मारने की प्रक्रिया है ये, और इससे आप अपने विरोधी नहीं हो जाएंगे, है ना, बल्कि आप इसमें अपने सबसे बड़े सहायक होंगे, सबसे बड़े शुभचिंतक आप अपने खुद हो सकते हैं, यदि आप अपनी गलतियों को मान रहे हैं कि हाँ मुझसे गलती हुई, मैं इसमें सुधार करूँगा। तो यह एक तमाचा है जो हमारे अपने गाल पर पड़े, हमारी आत्मा पर पड़े। कब पड़े यह तमाचा तब पड़े जब हम कुछ गलती करें और जैसे ही हमें अनुभूत हो कि भाई मैंने ये गलती की है, मेरी गलती है ये, इसमें मेरी पूर्णतः गलती है, तो एक तमाचा मुझे लगना चाहिए, एक तमाचा हमें लगना चाहिए कि गलती तो मेरी है ना। ऐसे किसी तमाचे को खुद के लिए बचाकर रखना ज़रूरी होता है। यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि ऐसा तमाचा हम खुद को मारें, और यह तमाचा मारने की इजाज़त जो है तो हम ही को है। हम ही अपनी गलतियों की पहचान कर सकते हैं, उस पर सुधार कर सकते हैं और अपने शुभचिंतक बन सकते हैं। अब हम खुद को यह तमाचा मार पाएंगे या नहीं मार पाएंगे, यह फैसला भी हम ही को करना है। इसलिए ध्यान दें, कोशिश करें, गौर करें अपनी बातों पे, अपने व्यवहार पे, अपने आसपास के लोगों पे, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अथाह प्रेम में आकर आपने कुछ गलत बोल दिया, या गुस्से गुस्से में आपने कुछ गलत बोल दिया और सामने वाले को चीज़ें बुरी लग गई। सीधी सी बात है, गलती आपकी है, तो आपको खुद के लिए एक तमाचा तैयार रखना होगा कि जब भी मेरी गलती होगी तो मैं तमाचा खुद को मारूंगा और मैं खुद का शुभचिंतक बनूंगा। कोई दूसरे आपको बताएं कि आपने गलत किया है, आप उसको सफाई दें, फिर वो बताए, फिर आपको महसूस हो, तो ऐसा नहीं है। इतनी लंबी प्रक्रिया में पढ़ना ही नहीं है। यदि गलत है तो वह गलत है, पता चल जाएगा तुरंत आपको, आपका आपकी जो अंतरात्मा है तुरंत बता देगी कि भाई ये गलत किया है तुमने। तो ये आज का विचार था, आज की तिवारी का विचार था, और स्वामी विवेकानंद जी ने 5 चीज़ें बताई थीं जिनमें से हम कोशिश कर सकते हैं कि कुछ चीज़ों को अंतर्ग्रहित करें अपने मन में, अपने मस्तिष्क में, अपने आचार विचार में, अपने व्यवहार में। उन्होंने सबसे पहली बात कही थी आत्मत्याग, आत्मविश्वास, आत्मज्ञान, आत्मनिर्भरता, और अंतिम में कहा था आत्मसंयम। तो यदि हमारे पास आत्मसंयम है, खुद के अंदर संयम है, खुद की बातों को हम सोच विचार परख करके बोल रहे हैं, सोच विचार परख करके हम कोई व्यवहार कर रहे हैं, तो हमें अपने आप के शुभचिंतक होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ज़रूर ध्यान दीजिए कि कहाँ पे आपकी गलती है, कहाँ पे आपकी गलती नहीं है। बेशक जहाँ पे आपकी गलती ना हो, आप बिल्कुल वह तमाचा दूसरे को दे सकते हैं, लेकिन यदि गलती आपकी है तो तमाचा खुद के लिए तैयार रखें। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इसे पूरा सुनने के लिए, और यदि अच्छा लग रहा है तो थोड़ा अपने मित्रों तक इसे ज़रूर पहुँचाएँ, है ना। और आगे भी ऐसे हम करते रहेंगे, बनाते रहेंगे छोटे छोटे आपके लिए कुछ जीवन के प्रति सकारात्मक रूप से बढ़ने के लिए कुछ चीज़ें, है ना, कुछ विचार छोटे छोटे। तो चलिए, बढ़िया है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोशिश किए बिना जय जयकार नहीं होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।